न्यू कराची की तबाही, न्यू कराची सेक्टर 5 की तबाही का राज ये है कि ख्वाजा इजहारुल हसन जो यहाँ के एमपीए थे एक सियासी जमात से, तो उन्होंने पीछे गली में, मरकज़ी गलियों में, मतलब ये वाली मरकज़ी गलियों में कोई सड़क नहीं डाली, जबकि 15 साल से वो एमपीए बन रहे थे। अभी फिर इलेक्शन लड़ना है शायद उन्होंने, अभी किसने लड़ना है ये तक अभी तक नहीं मालूम। तो मरकज़ी गलियों में इस तरह से सड़क नहीं डाली, चौड़ी चौड़ी गलियों में उन्होंने सड़क डाल दी, जहाँ उनको समझ में आया उन्होंने वहाँ सड़क डाल दी। कहीं उन्होंने सीवरेज की लाइन डाल के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। सीवरेज की लाइन जो है साथ साथ फुट पर डली हुई थी, तो उनके नुमाइंदगान ने आकर जो है अपनी मर्ज़ी से बगैर प्लानिंग के जो है वो गटर लाइनें जो है चार फुट पर डलवा दी, तीन फुट पर डलवा दी। तो ये इस तरह से जो है सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हुआ है यहाँ पर, और मज़ीद तबाही की जानब बढ़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन मेरे नज़दीक जो है तकरीबन 23-24 साल से कोई सड़क नहीं डली। और तो ये सूरत हाल है, ये गली आप देख सकते हैं, ये गली हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ फर्श डलवाए, और ये है सूरत हाल। तो ये 12 मरकज़ी गलियाँ हैं सेक्टर 5 में, और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने और उसामा कादरी साहब ने इधर सड़क नहीं डलवाई। बस 15 साल से एमपीए ख्वाजा साहब बन रहे हैं, उसामा कादरी साहब तो 5 साल से एमएलए थे, लेकिन इन 12 मरकज़ी गलियों में उन्होंने कोई सड़क नहीं डलवाई। पता नहीं क्यों नहीं डलवाई, और आगे का पता नहीं है।